हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं अनुपम देव ऑफिशियल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है बोट की तरफ से बोट ईयरड्रॉप्स 191G गेमिंग ईयरबड्स। दोस्तों बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूं और आपको बताऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी किस तरीके की है, और दोस्तों कॉलिंग क्वालिटी, और दोस्तों इसमें आपको बीस्ट मोड भी देखने को मिल रहा है। गेम प्ले करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना लो लेटेंसी आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्स को दोस्तों जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूं। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर में ईयरड्रॉप्स 191G लिखा है। दोस्तों यहां पे बोर्ड की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे दोस्तों इसके कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं। डुअल ड्राइवर 2x6mm के ड्राइवर इसमें आपको देखने को, क्वाड माइक विद ENX टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है, और दोस्तों बीस्ट मोड। बैक साइड में आएंगे यहां पे और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। टोटल प्ले टाइम 30 आवर IWP टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा दोस्तों आपको। ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, IPX वाटर रेसिस्टेंस, एप रीडिंग केस LED, वन टच वॉइस असिस्टेंट, स्मूथ टच कंट्रोल। बॉक्स को ओपन करते ही आपको कुछ कैटलॉग मिल जाते हैं बोर्ड की तरफ से, और दोस्तों एक आपको मैनुअल मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और दोस्तों आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसपे लिखा हुआ है रीड मी बिफोर यूज। 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड भी इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों आपको मिल जाएगा देखने के लिए एक बोर्ड की तरफ से स्टिकर। एसेसरीज की बात करूं तो एक टाइप सी चार्जिंग केबल इसमें देखने को मिल जाता है। 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं जो अपने ईयर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो केस को मैंने बाहर निकालिया, देख पा रहे होंगे लुक काफी अच्छा आ रहा है, एकदम गेमिंग वाला फील आ रहा है इस केस को देख के। सामने की तरफ आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग केबल कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों पीछे की साइड आएंगे तो कुछ इस तरीके का शेप मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है इस केस को। इसमें जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। दोस्तों केस को ओपन करेंगे, केस को ओपन करते ही यहाँ पे दोस्तों LED लाइट्स इंडिकेट कर रहे हैं जो कि ब्लू और रेड है। बर्ड्स में भी दोस्तों ब्लू और रेड लाइट इंडिकेट्स कर रहा है। दोस्तों इसके हिंज की बात करूं तो दोस्तों हिंज मुझे थोड़ा सा ढीला लगा है, इधर से अगर आप हिलाओगे तो ये हिल रहा है, और दोस्तों ओपन और क्लोजिंग मुझे काफी सही लगा है इस केस की। तो बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों काफी प्रीमियम टाइप लग रहे हैं। इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहीं पे सारे टच कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक माइक्रोफोन लगाया इन्होंने, और यहाँ पे लाइट्स हैं LED वो इंडिकेट करेगा जो कि काफी अच्छा आपको लुक देगा। सामने की तरफ आएंगे तो दोस्तों यहां पे भी जो प्लास्टिक यूज किया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और दोस्तों यहां पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया है वो काफी अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने ईयर टिप्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग पिन्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों काफी अच्छी बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी है। 1499 रुपए के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है इन बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी ने, और दोस्तों कोई ज्यादा वेट भी नहीं है, काफी लाइट वेट और छोटे ईयरबड्स मिल जाते हैं। देख पा रहे होंगे इसे मैंने अपने ईयर में लगा लिया, काफी अच्छा लुक आ रहा है। और दोस्तों नॉइस कैंसिलेशन मोड की बात करूं तो दोस्तों काफी हद तक ये नॉइस कैंसिल कर रहा है। मेरे रूम का फैन वगैरह चल रहा है दोस्तों, लगभग 80% इसने नॉइस कैंसिल कर दिया है। थोड़ी थोड़ी बाहर की वॉइस मेरे ईयर में सुनाई दे रही है। दोस्तों अगर आप इसे जिम वगैरह में यूज करते हो, रनिंग कर रहे हो, तब भी आप दोस्तों इसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी आपके ईयर से निकलने वाला नहीं है, काफी अच्छी तरीके से ये फिक्स हो चुका है। तो गेम प्ले करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो बीस्ट मोड दे रखा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों देखा आपने इसका जो बीस्ट मोड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों इससे मैंने 3-4 TDM खेले, और दोस्तों एक क्लासिक मैच प्ले किया, मुझे काफी ज्यादा मजा आया इसमें। दोस्तों 60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ ये बर्ड आपको मिल रहे हैं। दोस्तों 1499 रुपए के हिसाब से काफी अच्छे ईयरबड हैं। दोस्तों गेमिंग के पर्पज से आप इसे कंसीडर करना चाहते हो तो दोस्तों कर सकते हो। साउंड क्वालिटी का भी दोस्तों एक टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं कि दोस्तों इसमें जो साउंड क्वालिटी किस तरीके की मिला है। दोस्तों सॉन्ग आप इससे सुनना चाहते हो तो दोस्तों कितना अच्छा रहने वाला है आपके लिए।
साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इससे मैंने काफी सॉन्ग सुने डिफरेंट डिफरेंट और वीडियो वगैरह भी देखे। दोस्तों 1499 रुपए के हिसाब से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है मुझे लगे। और दोस्तों इसमें जो वोकल्स हैं काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, काफी क्लियर वॉइस आपको सुनाई देगी और दोस्तों इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छे से सुनाई दे रहा है। अगर दोस्तों आप इससे कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो बिल्कुल थिएटर वाला फील आपको आने वाला है। और दोस्तों अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी यूज करो तब भी आपको कोई भी इरिटेशन महसूस नहीं होने वाला, काफी लॉन्ग टाइम तक भी आप इसे सॉन्ग सुन सकते हो। माइक्रोफोन की बात करूं तो दोस्तों माइक्रोफोन भी टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं वो किस तरीके से काम करे और दोस्तों नॉइज कैंसिलेशन मोड किस तरीके से इसमें काम कर रहा है। ये जो वॉइस दोस्तों आप सुन रहे हैं ये बोट का एयरडॉप्स 191G का है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसके जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। टच कंट्रोल की बात करूं तो दोस्तों काफी अच्छे से काम कर रहा है। अगर दोस्तों आप किसी भी बर्ड्स पे वन बार टैप कर रहे हो तो आप अपनी कॉल को रिसीव या डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों राइट बर्ड्स पे अगर आप दो बार टैप कर रहे हो तो आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो। दोस्तों लेफ्ट बर्ड पे अगर दो बार टैप कर रहे हो तो आप प्रीवियस पहुंच जाओगे। राइट बर्ड्स पे दोस्तों अगर 3 सेकंड तक आप टैप करे रहते हो तो आपका जो बीस्ट मोड है वो ऑन हो जाएगा। और दोस्तों लेफ्ट बर्ड पे आप 3 सेकंड तक टैप करे रहते हो तो आपका गूगल असिस्टेंट या सीरी ओपन हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों IPX5 की वॉटर रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। थोड़ी बूंदाबांदी होती है या अगर दोस्तों थोड़ी स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो आप इसे यूज कर सकते हो। और दोस्तों AAC और SBC का कोडेक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों बर्ड्स में आपको दो दो ड्राइवर देखने को मिला है जो कि 6 mm के हैं। बैटरी की बात करूं तो दोस्तों केस की बैटरी 400 mAh की आपको मिल जाती है और दोस्तों बर्ड्स की जो बैटरी है वो 40 mAh की आपको देखने को मिल जाएगी। बैटरी बैकअप की बात करूं तो अगर आप इसे 6 आवर तक चार्ज कर रहे हो तो आपको लगभग 24 आवर तक प्ले टाइम दे देगा। आपका बर्ड्स दोस्तों 1 hour 50 minutes में ये लगभग फुली चार्ज हो जाएगा और दोस्तों आपका जो केस है वो लगभग 1 hour 50 minutes में फुली चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए इस बर्ड्स के बारे में तो दोस्तों 1500 रुपए के हिसाब से अगर आप कोई गेमिंग ईयरबड आप अपने लिए परचेज करना चाहते हो तो दोस्तों इसे कर सकते हो। काफी अच्छे ये ईयरबड्स मुझे लगे हैं। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और थोड़ी सी मैं आपके हेल्प कर पाया हूं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि ऐसी अनबॉक्सिंग और रिव्यू के वीडियो इस चैनल पे आगे भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।